दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के तत्वाधान में जमुनी कला में अभावग्रस्त 200 बच्चों को वस्त्र व स्टेशनरी सामग्री का किया गया वितरण। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर सावस्ती जनपद के जमुनी कला से है, जहां पर दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की तरफ से 200 अभावग्रस्त बच्चों को वस्त्र व स्टेशनरी का सामग्री वितरित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित आशुतोष महाराज की साध्वी शिष्या सुभद्रा भारती व साध्वी सुषमा भारती ने आए हुए बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान के बच्चे जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका है, वैसे ही भारत के भविष्य में बच्चों की भूमिका है। इन बच्चों को सुंदर संस्कारों से उत्तम आदर्श की ओर लेकर जाने का कार्य मंथन कर रहा है। इस दौरान संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मॉरल साइंस आदि विषय इनके विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। साथ ही बच्चों को शारीरिक विकास हेतु प्रशिक्षित योगा शिक्षक के द्वारा योग शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से विचारों को सुनकर सभी बच्चे बहुत हर्षित हुए और क्लासेस को कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक यादव, यशवीर, कमल आदि लोग मौजूद रहे। महाराज जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और आज दिव्य ज्योति संस्थान के द्वारा जमुनी कला में बच्चों को स्टेशनरी वस्त्र भी वितरण किया गया है, इसका क्या लक्ष्य है आप लोगों का? सर्वप्रथम जय श्री राम कहकर के अपनी बात शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले अपने आपके इस न्यूज चैनल को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप इन बच्चों के कवरेज के लिए यहाँ पर आए। और जहाँ तक हमारा परिचय का सवाल, मैं स्वामी अर्जुनानंद, शिष्य श्री आशुतोष महाराज जी, और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले कई वर्षों से प्रचार कार्य के लिए, आध्यात्मिक प्रचार कार्य के लिए संलग्न हूँ। और इसी के अंतर्गत, इसी की श्रृंखला में आज जमुनी कला में जिला श्रावस्ती में वस्त्र वितरण और स्टेशनरी वितरण का ये कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया गया है। और यहाँ पर आने वाले भविष्य में एक बहुत सुंदर विद्यालय का निर्माण आप इसे देख भी रहे हैं, हो भी चुका है और होना भी है। और 11 अप्रैल को हम इसका इस जमुनी कला में विद्यालय को ओपनिंग कर रहे हैं, इनोग्रेट कर रहे हैं इन सभी बच्चों के लिए। और इन बच्चों के माध्यम द्वारा हम उनके अंदर मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास की बात भी करेंगे। और मंथन विद्यालय जो संपूर्ण विकास केंद्र है, हमारा प्रकल्प है, इसके माध्यम द्वारा हम बच्चों के ऊपर काम करते हैं। हम यहाँ पर दीपावली आता है तो बच्चों के साथ दीपावली मनाते हैं, हम उन बच्चों के साथ योगा का कार्यक्रम करते हैं ताकि उनका शारीरिक विकास हो सके, हम ध्यान सत्र भी रखते हैं ताकि उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी हो सके। और आज यहाँ पे 150 से अधिक बच्चों को वस्त्र वितरण किया गया, स्टेशनरी वितरण किया गया। और इसके माध्यम द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं जन जन को, पूरे भारतवासियों को और इस क्षेत्र के जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं उनके लिए, कि आप सभी ऐसे विद्यालय जहाँ ऐसे पावन गुरुदेव हैं जिनकी कृपा से उनका आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो सके, वो अच्छा सोच पाए। और हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसा कहा है कि ऐसे बच्चे आने वाले समय में IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, राजनीतिक क्षेत्रों में जाएंगे, मेडिकल क्षेत्रों में जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ट्राइबल बेल्ट में जहाँ 14 वर्ष के बच्चे अभी तक विद्यालय नहीं जा पाए, वो नशे के अंदर गिरफ्त में है, उन लोगों को सुधारने का कार्य बीड़ा श्री आशुतोष महाराज जी ने उठाया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और इन बच्चों में एक भारत की अच्छी भविष्य हम देखते हैं, और उन लोगों के माध्यम द्वारा, इन बच्चों के माध्यम द्वारा और भी जनमानस को हम यही संदेश देते हैं कि बच्चे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें सुधारा जाए, इनको मजबूत किया जाए, यही हमारा लक्ष्य। धन्यवाद।